Hello and welcome back to Smart India Hackathon series, and I welcome you all once again to this episode where I will be discussing about one of the most important criteria, the criteria that is application for the idea selection and evaluation. So by now everybody must be in the process of redefining the PowerPoint presentation template. Okay, but one thing most of the students have been asking me is, on what basis is this idea selected? So guys, welcome to our presentation on idea selection criteria for hackathon, and in this video we will be discussing about the crucial factors that the experts consider when evaluating the hackathon ideas. Okay, so guys, let me tell you, ye jo sari ideas hai isme sab कॉमन स्लाइड्स दी हैं, तो फोर स्लाइड्स आर कॉमन एंड दी स्लाइड्स ऑल विल बी गिवन टू द इवैल्यूएटर्स. तो ये सारी जो इवैल्यूएटर्स हैं उनको एक कॉमन क्राइटेरिया दिया गया है जिसके बेसिस पे वो इवैल्यूएट करते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. इफ यू आर रशिंग थ्रू यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट, बट आई वुड इंसिस्ट दैट प्लीज सी ईच एंड एवरी क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिकली वन क्राइटेरिया दैट्स द यूजर एक्सपीरियंस. आई हैव गिवन सम रियली वेरी गुड इनपुट्स विच आई वॉन्ट एवरी वन टू सी. लेटर आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि या आई तो मिस आउट ऑन दिस क्राइटेरिया, बिकॉज ये जो सारे पैरामीटर्स है ना इस पे वो आपके टेम्पलेट में आपके पीपीटी को आपके आइडिया को मार्क देंगे. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है वो क्राइटेरिया और ये जो क्राइटेरिया है ये कहाँ पे दिया गया है. तो आई एम टेकिंग यू टू द स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन वेबसाइट. इफ यू कैन सी आई हैव लॉग्ड ऑन टू sih.gov.in और यहाँ पे डिस्कवर अबाउट SIH में इफ यू कैन सी द गाइडलाइंस फॉर कॉलेज स्पॉक. ऑन क्लिकिंग दिस यू विल गेट अ पीडीएफ मिलेगा आपको जो लिखा है गाइडलाइंस कॉलेज स्पॉक डॉट पीडीएफ. ओके, तो इसमें ये जो आप दिख रहे हैं आइडिया सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो यहाँ पे लिखा गया है द पोस्ट आइडिया सबमिशन प्रोसेस द आइडियाज विल बी इवेल्युएटेड बाय द एक्सपर्ट्स. द इवेल्युएशन क्राइटेरिया विल इंक्लूड द नॉवेल्टी ऑफ द आइडिया, कॉम्प्लेक्सिटी, क्लैरिटी, details in the prescribed format, feasibility, practicability, sustainability, scale of impact, user experience and potential for future progression. So in the subsequent slides, each one of the criteria I will be explaining you with an example. So yes, jo four slides hai aapki, jo aapka solution hai, ये सारे क्राइटेरिया को मैक्सिमम तरीके से फुलफिल करना चाहिए तो ही आपके हाई चांसेस हैं दैट योर आइडिया विल बी सिलेक्टेड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज नॉवेल्टी. नॉवेल्टी का मतलब क्या है? इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो अबाउट द making or crafting a winning PPT wherein I have taken the example of waste management, solid waste management. तो उस PPT मैंने एक ही problem को solve करने के अलग अलग तरीके बताए. ठीक है, so every idea is having something different perspective. अलग तरीके से कुछ sensors use कर रहे हैं, कुछ image processing use कर रहे हैं, कोई एक deep learning algorithm कर रहा है, कुछ segmentation और classification कर रहा है. तो basically आपका जो idea है वो fresh है, वो innovative है और does it bring a unique perspective to the problem statement. So basically experts look for ideas that bring in fresh perspective and innovation solutions to the table. Let's say ki ek example mano ek app hai, aap history seekhte hai, right? Aap history, एक टीचर आपको एक्सप्लेन करता है, वो कन्वेंशनल मेथड है, और एक आइडिया ऐसा है जो ऑगमेंटेड रियलिटी को की जरिए से आपको हिस्ट्री सिखाता है. तो बेसिकली ये एक नॉवेल अप्रोच हुआ जो sets it apart from the traditional education method. So basically the most important point is what is your fresh approach to solve the problem. Now the next thing is complexity. जो आपने लिखा है और जो आप solve कर रहे हैं दोनों तरीके से आपको वो decide करना है. Can others easily understand it and is it well defined? Like ये बहुत complex है क्या आप जो कर रहे हैं? Okay, जो सॉल्व कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है और जिस तरीके से आप लिख रहे हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स है? सो कंसिडर अ आइडिया टू डेवलप अ सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी व्हीकल. तो बेसिकली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड दैट डिमांड्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड एल्गोरिथम सॉल्यूशंस. तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है सिस्टम को. ठीक है, जैसे कि एक विदाउट ड्राइवर वाली कार, तो बेसिकली इसके डिमांड्स भी काफ़ी अलग है. और सेकेंड चीज़ है ना कॉम्प्लेक्सिटी में, क्या आप सिंपल सॉल्यूशन को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं?
ठीक है, या फिर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इवैल्यूएट की जाती है। थर्ड है क्लैरिटी एंड डिटेल्स। आपको एक टेम्पलेट दिया गया है जिसमें चार स्लाइड्स है, ठीक है, जो आपने लिखा है कैन अदर्स इजीली अंडरस्टैंड इट, इज इट वेल डिफाइंड। इसीलिए मैंने एक मेरे जो पहला वीडियो था उसमें डूज और डोंट्स में ये कहा है कि जो भी आप लिख रहे हैं उस वो फॉर्मेट में है, और जो भी आप बोल रहे हैं उसके डिटेल्स हैं वो क्लियर है वो चेक किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया शुड बी प्रेजेंटेड कॉम्प्रिहेंसिवली फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एंड आइडिया सबमिशन दैट इंक्लूड्स अ क्लियर प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजीज टैग, फीचर्स, मॉड्यूल्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेट्स अटेंशन टू डिटेल। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एन आइडिया इज प्रेजेंटेड विद अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान इंक्लूडिंग वायर फ्रेम्स, फ्लो चार्ट्स, मेकिंग इट ईजी फॉर अंडरस्टैंड। सी आप है ना, ये समझ में लीजिए कि जो इवैल्यूएटर्स है उसको आप क्या कर रहे हैं, आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है, आपका सल्यूशन क्या है, उसका टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है, क्या ये क्लियरली उस चार स्लाइड्स में कन्वे हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपका सल्यूशन भले ही बहुत अच्छा हो, आपका अप्रोच, बट वो क्लियरली कन्वे ही नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है गाइज। आपका अगर आइडिया अप्रोच बहुत स्ट्रांग है, आपका नॉवेल है, बट आपने उसको अच्छे तरीके से पेन डाउन किया नहीं है, तो फिर देन यू आर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। सो मेक इट क्लियर एंड द डिटेल्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। नाउ फोर्थ क्राइटेरिया इज फिजिबिलिटी। कैन योर आइडिया बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द टाइम अवेलेबल, दैट इज विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है हैकेथॉन जो है ये 48 आवर्स प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है नॉन स्टॉप, और आप जो सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं वहाँ जाके, ठीक है, आपने प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाया होगा और फाइनल वहाँ पे डेमो जो कर रहे हैं, तो क्या वो उस फिजिबिलिटी है उसकी, वो बन सकता है उस टाइम फ्रेम में, ठीक है, या फिर वो एक्चुअली फिजिबल है, आपके पास रिसोर्सेज है। लाइक एग्जाम्पल कि एक हैकेथॉन जो है ना रियलिस्टिक और अचीवेबल है क्या, वो फिजिबिलिटी का मतलब है ना, वो मुझे बहुत कुछ बड़ा बनाना है, पर अरे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो है नहीं, ठीक है, और उतना टाइम नहीं है, तो क्या फ़ायदा। सो बेसिकली एक एग्जाम्पल देती हूँ फिजिबल सोल्यूशन का, एक हैकेथॉन आइडिया प्रपोजिंग अ लो कॉस्ट वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम फॉर रूरल एरियाज इज फिजिबल बिकॉज इट लिवरेजेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। बट अगर ये मैं ओशन के प्योरिफिकेशन, ओशन वाटर के प्योरिफिकेशन का, उसकी डिसैलिनाइजेशन के बारे में कुछ करती हूँ, तो इट्स एक्चुअली नॉट फिजिबल। ओके, सो फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोट तो बहुत कर रहे हैं बट क्या वो रियल में फिजिबल है। उसके बाद प्रैक्टिकेबिलिटी, ये फिफ्थ वैल्यूएशन क्राइटेरिया है। तो एक्सपर्ट्स जो है ना, दे असेस वेदर द प्रपोज्ड आइडिया कैन बी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड। लाइक एक एग्जाम्पल देती हूँ, एन आइडिया सजेस्टिंग क्रिएशन ऑफ अ सिटी ऑन मार्स, ठीक है, एन आइडिया सजेस्टिंग अ क्रिएशन ऑफ अ सिटी ऑन मार्स वाइल इंट्रीग्यूइंग मे नॉट बी प्रैक्टिकल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। क्या सोल्यूशन है कि मार्स पे जाके एक सिटी बनाएंगे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये प्रपोज्ड आइडिया है, अच्छा आइडिया अच्छा है, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए हमको टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है। सो बेसिकली ना, ये ऐसे ही आपको एक हार्डवेयर बनाना है, आपको एक मशीन बनानी है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, बट क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसके लिए जो भी लग रहा है क्या वो आपके पास है, क्या आपने देखा है मार्केट में क्या चीज़ें हैं उसके एनालॉगस, क्या उसके सिमिलर टाइप की है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिक्स्थ जो क्राइटेरिया है वो सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सो डज योर आइडिया हैव द पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और इज इट अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। ये सी, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इज लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स, द आइडियाज दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स। ओके, सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो बेसिकली ना, उसमें इन्वायरमेंटल और सोसाइटल इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज एन आइडिया प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अलाइंस विद द गोल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। जो भी आपका हेल्थ में हो, टॉयज में हो, लॉन्ग टर्म क्या गोल है उसका, सस्टेनेबल है क्या या फिर वो शॉर्ट टर्म है, वो आपको दे, इज इट अ सस्टेनेबल अप्रोच, लॉन्ग टर्म गिविंग इम्पैक्ट लाइक सोशल्स, एनवायरमेंटल, ओके, फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है क्या उसका, अगर वो है तो वो सस्टेनेबल है,
ठीक है, मूविंग अहेड स्केल ऑफ इम्पैक्ट. नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि हाउ मेनी पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम योर सोल्यूशन एंड कैन इट क्रिएट वाइड स्प्रेड चेंज. ओके, नाउ ये आइडिया के बारे में ना, लाइक एक ऐप स्केल ऑफ इम्पैक्ट के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है, एंड आइडिया फॉर एन AI पावर्ड हेल्थ केयर ऐप, ओके, हैज द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स इंडिकेटिंग अ लार्ज स्केल बेनिफिट. जो जो एक आपका एप्लीकेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप एक है, ठीक है, पहले व्हाट्सएप की वजह से हम फोटोज वगैरह शेयर करना बहुत इजी हो गया है, तो उसका एक स्केल ऑफ इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है. फेसबुक पे भी लोग करते थे, बट व्हाट्सएप लोगों को एक एक जो अनपढ़ है, गवार है, उसको भी व्हाट्सएप यूज़ करना आता है. वो फोटो खींच के भेजती है, कौन सा अगर कुछ परचेस करना है तो वो दिखाती है. तो स्केल ऑफ इम्पैक्ट जो है ना उसका, वो बहुत ज़्यादा है. तो बेसिकली इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है, हाउ ब्रॉडली द आइडिया कैन बेनिफिट द सोसाइटी. क्योंकि जो भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं, हम मिनिस्ट्री के लिए बना रहे हैं, ठीक है. तो बेसिकली आई विल वंस अगेन गो बैक टू ऑल द थिंग्स, लाइक फिजिबिलिटी है क्या सोल्यूशन में, कॉम्प्लेक्स लेस है क्या, उसके बाद क्लियरिटी है क्या, कन्वे कर रहा है क्या सोल्यूशन. आपके दिमाग में हो बट आपने वो PPT में लिखा नहीं हो या फिर ड्रॉ नहीं किया हो, तो कोई फायदा नहीं है, वो इवैल्यूएटर तक नहीं पहुंचेगा. फिजिबिलिटी कि आपके टाइम फ्रेम में वो आप डेवलप कर सकते हो, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो सस्टेनेबल है, उसके बाद क्या वो बहुत सारे लोगों को छू सकता है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है. और सबसे 8 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इनफैक्ट ये फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, इज योर आइडिया यूजर फ्रेंडली एंड डिजाइन विद एंड यूजर्स इन माइंड. ओके, और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ना एंड में क्या आता है ना, आज आपको वो चीज़ें यूज़ करना पसंद है जो यूज़र फ्रेंडली होती है, जो यूज़र आसानी से समझ सकता है. ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है. तो यूज़र फ्रेंडली और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है ना, एग्जाम्पल कि आइडिया शुड प्रायोरिटाइज यूजेबिलिटी एंड यूजर सेटिस्फैक्शन. जैसे कि एक एप्लीकेशन, मोबाइल बैंकिंग ऐप आइडिया विद इंटिट्यू नेविगेशन एंड सिक्योरिटी फीचर्स एनहांसेस द यूजर एक्सपीरियंस. क्या वो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है? अगर आप वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, आप वो सिस्टम के अंदर जा नहीं पा रहे, तो बेसिकली आपको वो समझ में नहीं आ रहा है. तो एक मैंने ना एक आर्टिकल दिया है यहाँ पे करियर फाउंड्री वेबसाइट से, अगर आपको यूजर एक्सपीरियंस के बारे में और कॉमन UI मिस्टेक्स अगर आपको अवॉइड करनी है तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं. मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि क्या है अच्छा यूजर एक्सपीरियंस. ओके, ये गुड और बैड आप देख रहे हैं यहाँ पे, लॉग इन, साइन मी एंड फॉरगॉट पासवर्ड. लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन. सी, लॉग इन है ना हमारा प्राइमरी एक्शन है और ये सेकेंडरी है. तो बेसिकली ना ये बहुत आपको लगेगा क्या डिफरेंस है दोनों में, सेम ही है. नहीं, एक यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये लॉग इन मी और साइन अप, ठीक है, ये यूजर एक्सपीरियंस है. दूसरा, लैक ऑफ टेक्स्ट हायरार्की. आप देख रहे हैं ये ऐप है बट ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं आप, ये डिफरेंस है, लैक ऑफ टेक्स्ट हायरार्की. तो जब मैंने हमारा ऐप विनिंग ऐप लास्ट ईयर बनाया था, वेबसाइट जो बनाई थी उसमें मैंने कंटेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था. वी हैड अ लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ द टेक्स्ट, कौन सा फॉन्ट, कौन सा जस्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. आपको लगेगा क्या है डिफरेंस, बट लेट मी टेल यू, वहाँ पे एक ग्राफिक्स डिजाइनर होता है SIH के टाइम पे, जो आपका ग्राफिक्स देखता है और आपको सजेशंस भी बोलता है, ठीक है. और दूसरी चीज़ें ये देखो, ये आइकन्स, ओके, ये लगेगा आपको क्या छोटी सी तो बात है, बट ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. ये बैड आइकन, आप जो भी आपके मोबाइल पे क्लिक करते हो ना, आप ये आइकन के वजह से जाने जा देखते हो. तो ये आइकन्स जो आप आपके वेबसाइट पे ले रहे हो वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए. यू शुड अवॉइड बैड आइकनोग्राफी. और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्ट्रास्ट. ये भी एक पेज है, ये भी एक डिज़ाइन है, बट कैन यू सी द डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट एंड यूज ऑफ द कलर्स रियली मेक योर एप्लीकेशन. सी, आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बट उसमें वो यूजर एक्सपीरियंस, वो कलर कॉम्बिनेशन, वो अलाइनमेंट, वो कॉन्ट्रास्ट, वो ब्राइटनेस, वो दिख नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है. UI UX बहुत अच्छा होना चाहिए. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. और एक चीज़ है कॉन्टेंट. यहाँ पे देख रहे हैं आप कॉन्टेंट, ये अनअलाइंड एलिमेंट्स है. ये कॉन्टेंट इज अनअलाइंड, दिस इज वॉट इज जस्टिफाइड. तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जो भी कॉन्टेंट हम वेबसाइट पे डालते हैं वो जस्टिफाइड हो. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपके एलिमेंट्स जो है, टेक्स्ट जो है, वो जस्टिफाइड है क्या, वो अलाइंड है क्या, उसका कलर क्या है, ठीक है. उसके बाद
ये एक सैम्पल है जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यूआई यूएक्स है डेवलपमेंट का। ओके, तो ये सोर्स है, यहाँ से मैंने ये लिया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और द नाइन्थ क्राइटेरिया इज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर वर्क प्रोग्रेशन, कि ये जो आपका आइडिया है इसको आगे हम ले जा सकते हैं क्या। तो ये जो फ्यूचर ऑफ वर्क प्रोग्रेशन है ना, उसको एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में स्केलेबिलिटी कहते हैं, कि इज योर आइडिया स्केलेबल। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक आपने लिया है, जो भी आपका डेवलपमेंट है, एक्चुअली इज इट अ स्केलेबल आर्किटेक्चर। जब आपका आइडिया इवेल्यूएट होगा, मे बी आपका पीपीटी या फिर एक्चुअली ग्रैंड फिनाले के टाइम पे, द इवेल्यूएटर सी दैट अ स्केलेबल आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज स्केलेबल आर्किटेक्चर? इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इंक्रीजिंग डिमांड्स। ओके, इंक्रीजिंग डिमांड्स, एंड इफ योर ऐप यूसेज इंक्रीजेस, इज द करंट सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बी एबल टू हैंडल द एडिशनल पेपर्स? लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आज हमने खाना 10 लोगों के लिए बनाया, ठीक है, हमारे पास 10 लोगों के खाना बनाने का ही राशन है, बट समझो 100 आ गए, तो क्या हम उसको स्केल कर सकते हैं? ठीक है, हमारे पास 100 का स्टोरेज है, तो हमने एक दिन कर लिया, बट क्या अगर हमारे पास और 100 यूजर्स आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इज इट हमारा जो स्टोरेज के डिवाइसेस हैं, जो डेटाबेस होल्ड, जहाँ पे हम डेटाबेस होल्ड कर रहे हैं, क्या वो एक्सपांड हो सकते हैं? ओके, सो एग्जाम्पल इज आइडिया फॉर अ मॉड्यूलर एक्सपांडेबल स्मार्ट होम सिस्टम दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम विद एडिशनल फीचर्स। क्या हम उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज, लाइक मैंने बहुत ही एनालॉगस एग्जाम्पल लिया है खाने का, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास जितना रेशन है हम उतना बनाएंगे, बट आज हमने ये बनाया, कल हम अगला डिश बनाएंगे और एक स्वीट ऐड करेंगे। सो ये स्केलेबिलिटी का टर्म्स है इन नॉन टेक्निकल टर्म्स। तो एडिशनल फीचर्स और इंटीग्रेशन क्या हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जब आप आपका पीपीटी फाइनल सबमिट करोगे, तो आपको ये सारे 9 इवेल्यूएशन क्राइटेरियाज जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के वेबसाइट पे है, आपको ये थिंक करने हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर पीपीटी विल बी इवेल्यूएटेड ओनली ऑन दीज फैक्टर्स। या अगर आपकी पीपीटी भी सिलेक्ट हुई, अगर आपका ग्रैंड फिनाले में सिलेक्शन होता है, तो मेक श्योर योर प्रोडक्ट, योर प्रोटोटाइप, योर सॉफ्टवेयर क्वालिफाइज ऑल दिस क्राइटेरियाज, या फिर इन सारी चीज़ों के जवाब आपके पास हो। ओके, सो थैंक यू डियर ऑडियंस फॉर गिविंग अ पेशेंट लिसनिंग, एंड आई होप यू ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स क्राफ्टिंग अ विनिंग हैकेथॉन प्रोटोटाइप। ओके, सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट क्राफ्टिंग अ विनिंग हैकेथॉन आइडिया इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग दिस की क्राइटेरियाज फ्रॉम नॉवेल्टी टू यूजर एक्सपीरियंस। रिमेंबर, द मोस्ट इम्पैक्टफुल आइडियाज ऑफन मीट मल्टीपल क्राइटेरिया इफेक्टिवली। ये ध्यान में रखो कि जो भी विनिंग होगा, ये मल्टीपल क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हैं। एक क्राइटेरिया पे विनिंग इमर्ज नहीं होता है, विनिंग प्रोटोटाइप, विनिंग प्रोडक्ट मल्टीपल क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए आपको ये सारा नॉलेज आपके प्रोडक्ट में इम्बाइब करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्लोरिंग द आइडिया सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर हैकेथॉन। वी होप दिस नॉलेज एम्पावर्स यू टू सबमिट कंपेलिंग आइडियाज फॉर दिस नेक्स्ट हैकेथॉन, दैट इज द स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एंड द मेनी मोर टू कम। ये जो क्राइटेरिया मैंने डिस्कस किए, ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए नहीं है, बट बाकी सारी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी है। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।